तो ये तैयबा है हमारे स्टूडेंट जो नीट के लिए और एमसेट बाईपीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इनका प्रिपरेशन तो माशाल्लाह अच्छा चल रहा, रेगुलर भी है। एक दो बीच में ईद के दिन जब मैं क्लास रखा था, जब शायद तैयबा एबसेंट हो गया था। खैर वो एक दिन का छोड़ो, लेकिन बाकिया तो मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं नो। अभी यस्टरडे जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया जो 2024 का, उसमें तैयबा को सुपर हिट मार्क्स आए। तो तैयबा जरा लाउडली मार्क्स बोलो बेटा। 856। 856। कितना प्राउड फील कर रहे होंगे इनके पेरेंट्स और रिश्तेदार, कितना टेंशन में होंगे, कितना दुख में होंगे, मैं समझ सकता हूँ। सही है ना? वो अपने रिजल्ट की टेंशन, यानी कि अपने बच्चों के रिजल्टों की टेंशन छोड़ के रिश्तेदार दूसरों के बच्चों की टेंशन जरा ज्यादा ही ले लेते हैं अपने माशरे में। सही है ना? अब ये सब इतना अच्छा रिजल्ट लाना, 850 क्रॉस करना, बोल तो फिजिक्स की इतनी मोटी बुक को बहुत अच्छा पढ़ना पड़ता, कितने के आंसर अच्छे से नीट एंड रीडिंग में लिखे तो उतने मार्क्स आते, केमिकल इक्वेशंस में मेहनत करना पड़ता, बायो के डायग्राम पे। सही बोल रहा ना मामा? जी सर। अब यहाँ पर फिजिक्स की जर्नी कैसी चल रही है? फिजिक्स क्लियर है आपको? मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब पढ़ाया तो बहुत हाँ। अच्छा जा रहा। वेरी गुड। केमिकल इक्वेशंस, केमिस्ट्री में कैसा जा रहे मैम? बहुत अच्छा। वेरी गुड। और ये इनऑर्गेनिक के मैम भी अच्छा पढ़ा रहे आपको? वेरी गुड माँ, वेरी गुड। बायो वगैरह, बायो का कैसा चल रहा बेटा? वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा चल रहा। अल्लाह अच्छा रखे आपको, अच्छी मेहनत करो। अब नीट क्रैक करना, एक ज़बरदस्त लेवल के डॉक्टर बनना माँ, और मिसाल कायम कर देना, ठीक है? तो मेरे दुआएं साथ है आपके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।